नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल की खास पेशकश किस्सा कुर्सी का। जी हाँ, आखिर सिरसार नगर परिषद की अध्यक्षा शीला सहगल के विरोध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो ही गया। भाजपा हाईकमान के हस्तक्षेप के बावजूद भाजपा के 9 पार्षदों ने शीला सहगल के विरोध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में दिया वोट। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा की कुर्सी कायम रह सकती है, शीला सहगल की अध्यक्षता बनी रह सकती है। ऐसा भी माना जा रहा कि कुछ पार्षद उनके पाले में हैं। हालांकि सुबह भी कुछ बुद्धिजीवी ये कह रहे थे कि शीला सहगल बनी रह सकती हैं। भाजपा हाईकमान ने भी पूर्ण जोर कोशिश की है, बावजूद भाजपा के 9 पार्षदों ने शीला सहगल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ही वोट दिया है। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि आगे जो है चेयरमैन की कुर्सी है वो भाजपा के ही पक्ष में जाएगी। संगठन और वोटिंग के नज़रिए से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चेयरमैन की कुर्सी भाजपा के पक्ष में जानी तय है। आप देखते रहिए पल पल से अमर सिंह जानी की ये। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज अविश्वास प्रस्ताव पर जो मीटिंग हुई है उसके बारे में 12 बजे का समय था, तो 12 बजे 22 पार्षद जो उपस्थित हो गए थे और उसके बारे में बाद जो बाहर भी अनाउंसमेंट करवाई गई और फिर मीटिंग की कार्रवाई शुरू की गई। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था उसको वो पढ़ के सुनाया गया, फिर किस प्रकार से मतदान होगा उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग की गई ताकि किसी भी सदस्य को कोई भी डाउट ना रहे। और पूरी ब्रीफिंग के बाद जब उनको कोई संशय नहीं था फिर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग ईवीएम के माध्यम से करवाई गई, गोपनीय मतदान के द्वारा की गई और इसमें 22 पार्षदों ने मतदान किया है। टोटल हाउस की संख्या 31 थी और रिजल्ट है कि 22 के 22 ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया है और इसके विपक्ष में कोई वोट नहीं पड़ा। अब इसकी पूरी प्रोसीडिंग्स तैयार करके उपायुक्त महोदय को भेज दी जाएगी। तो आगे के बारे में इसमें टिप्पणी करने में असमर्थ हूँ, अब मैं अपनी प्रोसीडिंग्स भेज दूँगा। मैं अविश्वास प्रस्ताव जो था उसको कंडक्ट करवाने के लिए मेरी नियुक्ति की गई थी, तो अब आगे जो होगा वो उपायुक्त महोदय इस बारे में निर्णय लेंगे। 1 अगस्त को हमारा अविश्वास प्रस्ताव के लिए सर, हाँ जी 1 अगस्त आज थी उसके लिए फ्लोर टेस्ट था आज हमारा। हम 22 पार्षद आए हैं, 22 ही हमारे वोट आए हैं और सभी ने अपने मन से 22 पार्षदों ने वोट किए हैं और शीला सहगल जी के वो आए नहीं हैं तो उनके जीरोरी वोट नहीं उनके डला कोई भी। तो 22 पार्षदों ने सरसा शहर के विकास के लिए ये बढ़िया मौका मिला है, सभी को हम प्रधान चुनेंगे, बढ़िया प्रधान चुनेंगे जो शहर का विकास करवाएंगे। तो भाजपा इसमें कितने पार्षद हैं आपके समर्थन? 9 पार्षद भाजपा के। तो आगे क्या रणनीति आपकी रहेगी? आगे हम डी साहब से मिलके और नए जो प्रधान बनाने की प्रक्रिया उसके बारे में बात करेंगे डी साहब से, जैसे भी होगा बाकी सब की राय लेके जैसे भी होगा।